काम खत्म हुआ कि यहाँ से चला मैं अपना। उधर ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली से बंगाल की सियासत का भविष्य बदलने का दावा करने वाली बीजेपी अपने चुनावी अभियान को लगातार धार देने में जुटी है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल की सड़कों पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ये दावा किया कि इस रैली में जितनी भीड़ जुटने वाली है उसका आकलन भी करना मुश्किल है। 100% सब दूर, पूरे इंटायर बंगाल में परिवर्तन होगा। अभी क्या लग रहा है सर, आप लोगों से एक वन टू वन मिल रहे हैं सर? लोगों का बहुत रिस्पांस, लोगों का डर भी अब खत्म हो गया है। लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ब्रिगेड में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सर? इतनी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी कि लोग आश्चर्य करेंगे कहाँ से लोग निकल के आए। एक तरफ बीजेपी ब्रिगेड ग्राउंड की रैली को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, तो वहीं ममता बनर्जी भी प्रचार के लिए सड़कों की खाक छान रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुसीबतों का दौर अंत होता नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि परेड ग्राउंड की रैली से ठीक पहले टीएमसी के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने जहां बीजेपी ज्वाइन कर ली है, वहीं टीएमसी के पूर्व विधायक दिनेश बजाज ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आने का मन बना लिया है। कॉन्फिडेंटली कहना चाहते हैं, विश्वास के साथ, हर बड़ा नेता चाहे टीवी में आकर जो भी बात करे, हर बड़ा नेता चाहता है कि टीएमसी छोड़ दे। उनकी लाचारी है, नहीं छोड़ सकता है। मेरी ऐसी कोई लाचारी नहीं थी। कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आप? ये पार्टी डिसाइड करेगी। मेरी कल बातें हो गई शीर्ष नेताओं से, पार्टी डिसाइड करेगी कब क्या करवाना है। हो सकता आज कराए, हो सकता कल परसों, जब भी पार्टी चाहेगी तब मैं तैयार हूँ। मेरी बातचीत सारी हो चुकी है। टीएमसी ने ऐसे ही झटकों से उबरने के लिए बेटी कार्ड खेला है, यानी ममता बनर्जी अब खुद को बंगाल की बेटी बताकर राज्य के सेंटिमेंट से जुड़ना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जिस भीतरी बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा देकर टीएमसी बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहती है, वो दाव चलने वाला नहीं है। दीदी को